अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 1 सितंबर 2020 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात होगी आज की ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सरकार को लेकर छात्रों में जबरदस्त गुस्सा। एक दोस्तों बाढ़ की आ गई है सोशल मीडिया पर, आपने देखा होगा डिसलाइक की बटन ऐसे दब रही है कि क्या बताएं। उसके बाद आपके लिए सबसे बड़ी खबर, देश की जीडीपी में सबसे बड़ी गिरावट अप्रैल जून तिमाही में 23.9% गिरी। जी हाँ दोस्तों, अब ये जीडीपी तो यार माइनस में जा चुकी है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। तो उसको अभी इस वीडियो में कवर करेंगे। नौकरी का एक मुद्दा होना चाहिए स्टूडेंट का। आपको बता दें दोस्तों, इसमें डीएलएड के छात्र भी एक सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि 2018 की 69,000 शिक्षक भर्ती अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई? 2 साल बीत जाने के बाद सरकार क्या कर रही? दोस्तों बच्चों का क्या गुनाह था कि अभी तक इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला? वादा क्या था आपके सामने रख देते हैं। वादा ये किया गया था कि दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 फरवरी, याद रखिए दोस्तों फरवरी 2019 तक इन बच्चों को नियुक्ति पत्र मिलना था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आपको एक और अपडेट दें, 4,000 उर्दू शिक्षक भर्ती का क्या हुआ? ये भी दोस्तों भर्ती गायब हो गई, कुछ नहीं हो रहा इसको लेकर। इन सब दोस्तों यही मुद्दा आपका होना चाहिए। आप लोग जाते न्यूज चैनल पर बैठ के दोस्तों देखते होंगे सुशांत सिंह राजपूत में रिया चक्रवर्ती रिया 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 कर रहे हैं, उससे दोस्तों आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। याद रखिए आपको नौकरी तब मिलेगी जब आप बात करेंगे शिक्षक भर्ती में आखिर क्या हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि अभी डीएलएड में क्या हो रहा है इसको भी तो जानना चाहिए ना आपको, कि दोस्तों पीएनपी की लेटेस्ट अपडेट क्या है, डीएलएड प्रथम तृतीय सेमेस्टर एग्जाम डेट का क्या हो रहा है, परीक्षा और प्रमोट को लेकर क्या बातें हो रही है। उसके बाद एक और अपडेट आपको सामने रखते हैं कि 30 वर्ष की सेवा पर जबरन रिटायर करने का विरोध करेंगे सभी कर्मचारी संगठन, आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग हो रही है। जी हाँ दोस्तों, जिनकी मतलब नौकरी चल भी रही थी तो अब ये भी आ गया नियम कि भाई 30 साल अगर आपका हो गया तो अब नौकरी वोकरी आपकी खत्म होती है। ठीक है, मान लेते दोस्तों आप स्टूडेंट से हैं, मैक्सिमम आपको बता दें जो टीचर होते हैं डीएलएड में नौकरी वोकरी आप पाते हैं तो वो 25 साल तक आप आसानी से पा जाते हैं। इसका मतलब है कि 25 में 30 और जोड़ दीजिए 55 साल, और 55 में आपको रिटायर कराया जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें, इसको भी ये मुद्दा आपका है। आप अपने मुद्दे से हमेशा भटक जाते हैं और चले जाते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस चीन में, राफेल डील में क्या हो रहा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं दोस्तों। वो सरकार देखेगी, उसके बाद जो हमारी आर्मी है वो पाकिस्तान को देख लेगी, चाइना को देख लेगी। आपका मुद्दा हमेशा आपका एग्जाम होना चाहिए। इस समय आपको बता दें देश भर में दोस्तों जेई का पेपर हो, ठीक है, नीट का पेपर हो, एसएससी हो दोस्तों, रेलवे हो, आपको बता दें यार एनटीपीसी ग्रुप डी, याद है 2.5 करोड़ बच्चे हैं, मतलब ऑनलाइन आवेदन कर दिया था। फीस तो 100 रुपये होनी चाहिए, लेकिन आपसे लिया गया कितना, 500 रुपये। बोला गया कि भाई जब पेपर वेपर दे देंगे तो 400 रुपये आपका रिफंड कर दिया जाएगा। क्या मतलब है, क्या मतलब है बताइए आपसे पैसे ज़्यादा लेने के, जब इनको 400 रुपये लौटाना है। ये दोस्तों एक सोची समझी मतलब नहीं होता, बिजनेस प्लान है कि बहुत से पेपर, मतलब बच्चे ऐसे होते जो पेपर छोड़ देते हैं। तो समझिए दोस्तों इनकी चालाकियों को, नहीं तो फिर आप पिछड़ते जाएंगे। देखिए आपके सवाल हमेशा सरकार से होने चाहिए, और कोई भी सरकार हो, ठीक है, कितनी भी पावरफुल सरकार हो, लेकिन सवाल आपके भी बिल्कुल पावरफुल होने चाहिए, नहीं तो फिर बेरोजगार के बेरोजगार आप बैठे रह जाएंगे। 2018 की भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाती, सवाल तो यहाँ खड़े होंगे ही होंगे। ठीक है, इसके बाद एक और अपडेट आपके सामने रखते हैं, टीजीटी 2016 शिक्षक भर्ती के जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों ने घेरा बोर्ड, मिला आश्वासन, नई शिक्षक भर्ती में जीव विज्ञान विषय शामिल करने का भरोसा मिला है। आपको बता दें दोस्तों इनकी भर्ती भी अभी तक पूरी नहीं हुई 2016, 4 साल बीत रहे हैं कि नहीं, दिमाग में दोस्तों कुछ बातें डाली हैं कि हो क्या रहा, आखिर कैसे नौकरी मिलेगी। देखिए जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, डीएलएड का आप कोर्स कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका एक ही लक्ष्य होता है कि आपको नौकरी चाहिए सरकारी। आप दोस्तों पकौड़ा नहीं बेच सकते हैं जाके मार्केट में, अगर बेचना हो तो बेच सकते हैं, मना नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में यही सोच होगा कि जल्दी से जल्दी हम टीचर बन जाए और नौकरी करें, तो ये सब बातें समझनी पड़ेगी आपको, आपका मुद्दा क्या है। तो अभी भी समय है, हमें अपने मुद्दे को समझना चाहिए, नहीं तो फिर होता है ना कि समय निकल जाएगा और फिर आप परेशान होते रहेंगे। एक और अपडेट आपके सामने रखते हैं, अंतिम वर्ष व सेमेस्टर के छात्र देंगे ऑनलाइन परीक्षा। ये अपडेट दोस्तों कहाँ से आई है इसको भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे, इस अपडेट का सोर्स भी आपको हम बताएंगे। उसके बाद एक और बड़ी अपडेट है, उसको भी जरा हम देखते हैं कि असंगठित क्षेत्र की कमर तोड़कर मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को तबाह किया, राहुल। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं जो आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। और असंगठित क्षेत्र में आता कौन है, क्या दोस्तों आप संगठित क्षेत्र में आते हैं कि असंगठित में आते हैं, इसको भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो
क्या क्या दोस्तों हो रहा है देश भर में, वो सारी बातें अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर आप हमेशा पीछे होते जाएंगे। न्यूज चैनल पर दोस्तों ऐसी पोस्ट आजकल आती है, ऐसी न्यूजें आती हैं जो बिल्कुल भी आपके काम की नहीं है। कहीं पर दोस्तों इनका जिक्र होता है, जेई का दोस्तों जिक्र कितना हुआ न्यूज चैनल के डिबेट्स में, उसको देखिएगा। SSC का दोस्तों, CGL का देखिए दोस्तों, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सिर्फ जेई के और नीट के बच्चों ने मतलब सरकार को हिला कर रख दिया एक तरह से। जी हाँ दोस्तों, कह सकते हैं कि ये 12वीं के बच्चों ने सरकार हिला दी इस समय देश में। बाकी आप लोग DLED के छात्र हैं, उसके बाद SSC CGL के बच्चे इतने सालों से मेहनत कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इन बच्चों ने डिसलाइक का एक ऐसा बटन दबाया ना। जी हाँ दोस्तों, अब सरकार को भी एक दोबारा से सोचना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने कहाँ गलती कर दी। और आपको बता दें राहुल गांधी ने क्या कहा इसको लेकर, सब कुछ हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों देश का GDP का हाल हम आपके सामने रख चुके हैं कि भाई कुछ कुछ होता है ना कि माइनस में चली गई। पहली बार दोस्तों ऐसा हो रहा कि जो हमारे देश की GDP है वो माइनस में चली गई है। तो अगला दोस्त हमारा लक्ष्य तो कम से कम इतना होना चाहिए ना कि माइनस से कम हम कहीं नहीं तो जीरो तक पहुंच जाएं। सपना तो हमारा है 5 ट्रिलियन, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बात है, नहीं तो फिर आप कहेंगे जीरो कितने होते हैं, क्या होते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए ऑनलाइन क्लास हो सकती है, फिर ऑनलाइन पेपर क्यों नहीं, ये दोस्तों DLED छात्रों का एक सवाल है। इस समय दोस्तों आप देख रहे होंगे ना कि DLED की भी ऑनलाइन क्लास हो रही है। चलिए फॉर्मेलिटी हो रहा है, चाहे जो भी हो रहा हो तो रहा है ना, कम से कम कहने के लिए है ना ऑनलाइन हो रही है, क्योंकि अभी आपसे वो फीस वसूलने वाले हैं। जो बच्चे 2019 बैच के छात्र हैं, तैयार हो जाओ, फीस देने के लिए देना ही पड़ेगा, कोई आपके सामने और कोई विकल्प होगा नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके आज की सारी अपडेट्स को हम देखते हैं। एक और अपडेट, अगर आप यूपी के हैं तो यूपी के ग्राम पंचायत चुनाव से वंचित हो सकते हैं 2 बच्चों से अधिक वाले उम्मीदवार, तो ये एक और अपडेट है। तो फिलहाल दोस्तों चलिए कम से कम ऐसी खबर नहीं आई कि जो शादी कर लेगा वो चुनाव ही में मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, नहीं तो आने वाले टाइम में ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता है। आप लोग इशारों को समझना थोड़ा सीख लीजिए, और अगर अभी तक आपने वैसे इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक वाले बटन पर यहाँ तो क्लिक कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि दोस्तों इस YouTube चैनल पर सिर्फ आपके मुद्दे उठाए जाते हैं, जो आपके सवाल होते हैं उनको उठाए जाते हैं। बाकी दोस्तों आप किसी भी बड़े न्यूज चैनल पर चले जाइए, DLED का वहाँ कभी जिक्र तक नहीं किया जाता कि DLED होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, उनके पास भी 24 घंटे का समय होता है, कुछ नहीं तो यार 5 मिनट तो DLED के लिए दे सकते हैं। पूरे देश में दोस्तों DLED का पेपर होता है, आपको बता दें राजस्थान प्री DLED में भी लगभग 6 लाख से अधिक उम्मीदवार थे, बिहार में DLED होता है, यूपी में होता है, हर जगह DLED हो रहा है, कोई दोस्तों सवाल नहीं उठता DLED को लेकर। आपको बता दें इस समय कुछ नहीं तो DLED में करेंटली 10 लाख से अधिक छात्र इस समय पढ़ रहे हैं पूरे देश में, तो सवाल और मुद्दे दोस्तों हमेशा होने चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा भगवान जाने। चलिए एक एक करके आज की सारी अपडेट्स को देखते हैं, वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है लेकिन देखना आपको अंत तक है, नहीं तो फिर आप लोग जाएंगे न्यूज़ चैनल देखने लगेंगे। उससे अच्छा दोस्तों यहाँ कुछ काम की चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आज की सबसे बड़ी अपडेट पर बात करते हैं, कौन सी है कि देखिए पहले आपको दोस्तों खबर का सोर्स भी दिखा दिया जाए। अंतिम वर्ष व सेमेस्टर के छात्र देंगे ऑनलाइन परीक्षा, अपडेट आई है, ठीक है यहाँ से। तो खबर का सोर्स है लाइव हिंदुस्तान, ठीक है पब्लिश इन्होंने क्या है, चलिए देखते हैं क्या अपडेट क्या है, इस अपडेट को देख लेते हैं उससे आपका भी फायदा या नुकसान क्या है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्नातक UG अंतिम वर्ष PG व प्रोफेशनल कोर्स के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन कराएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और UGC के निर्देश के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा की तैयारी तेज कर दी है। सोमवार को कुलपति प्रोफेसर RR तिवारी की अध्यक्षता में एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक में ऑनलाइन परीक्षा कराने पर मुहर लग गई है, अब घर बैठे छात्र ऑनलाइन परीक्षा दे सकेंगे। देखिए दोस्तों अगर ऐसा DLED में हो जाए ना फिर मजे की बात, मजे ही मजे हैं आपके, घर बैठे आपको पेपर देना है, कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इस समय कोरोना के जो हालात हैं ना दुनिया भर में वो थोड़े से खतरनाक हो चुके हैं, दुनिया भर में नहीं हमारे देश में खाली, हम सही बात कहें तो 24 घंटे में दोस्तों सबसे ज़्यादा कोरोना मामले फिर से इंडिया में आए, 68,770 नए मामले, 818 लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर जाने गई हैं कोरोना के कारण तो वो इंडिया में गई हैं, 818 लोगों की जान जाती है, मरने वालों की दोस्तों जो तादाद है हमारे देश में 65,000 को हम पार कर चुके हैं, ये दोस्तों पूरा मामला है। टोटल मामले 36,87,939, तो सावधानी हमें यहाँ पर बरतनी पड़ेगी, नहीं तो फिर देखिए दिक्कत में आप सब आ जाएंगे, ठीक है। एक छोटी सी मतलब चूक और कोरोना के आप शिकार होंगे। उसके बाद देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक की ओर से मंगलवार को परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि सितंबर के दूसरे सप्ताह तक स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, ये सब दोस्तों बात है। अधिकतम 4 घंटे का मिलेगा समय, तो ये बात है दोस्तों यहाँ पर 4 घंटे का समय मिलेगा, क्या अपडेट क्या है इसको जरा देखते हैं। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षार्थियों को किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। परीक्षा के लिए छात्रों को अधिकतम 4 घंटे का समय दिया जाएगा, इतने समय में पेपर को डाउनलोड करने से लेकर उत्तर पुस्तिका को स्कैन करके अपलोड करना होगा, मतलब दोस्तों
जिस कॉपी में या ए फोर शीट में आप आंसर को लिखेंगे उसको स्कैन करके मतलब फोटो वोटो खींच के अपलोड करना पड़ेगा। प्रोफेसर सिंह ने बताया कि परीक्षा के समय पेपर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। संबंधित छात्र प्रश्न पत्र को डाउनलोड करके प्रिंट ले लेगा। इसके बाद किन्हीं चार प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में हल कर लेगा। उत्तर पुस्तिका को स्कैन कर परीक्षा नियंत्रक को ईमेल पर भेजना होगा। ठीक है, प्रायोगिक परीक्षाएं भी होंगी ऑनलाइन। तो दोस्तों देखिए, अगर ऐसा होने लगेगा तो कितना बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। कोरोना काल है जब ऑनलाइन आपसी क्लासेस हो सकती है। डीएलएड में दोस्तों लिखित में तो यही चल रहा है कि डीएलएड के छात्र ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। बाकी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो आप जाने, लेकिन दोस्तों रियलिटी यही है, ठीक है। तो अगर ऑनलाइन पेपर होगा तो बेहतर होगा आप लोगों के लिए। एक और अपडेट आई थी टीजीटी 2016। देखिए शिक्षक भर्ती की जितनी भी अपडेट्स हो ना वो आपके लिए बहुत ही जरूरी होती है, भले आपको उसमें मौका मिले या ना मिले। देखिए आप में से बहुत से ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने एनटीपीसी के लिए अप्लाई किया होगा, बहुत से ऐसे छात्र होंगे जो बैंक के पेपर देते होंगे, रेलवे के पेपर देते होंगे, सीजीएल के देते होंगे, मतलब कुछ ना कुछ देते ही होंगे। लेकिन नौकरी कितने दिन में मिलती है? वादा दोस्तों किया जाता है कि आपको एक साल के भीतर नौकरी वोकरी दे दी जाएगी। वादा को दोस्तों ऐसे तोड़ दिया जाता है जैसे कि क्या हुआ गाना था ना, क्या हुआ तेरा वादा वाला। ठीक है, ये अपडेट को जरा देखते हैं। देखिए सालों से परीक्षा के आस में बैठे टीजीटी 2016 जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब दे गया। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सोमवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का घेराव किया। बोर्ड प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अभ्यर्थियों ने परीक्षा की तारीख घोषित करने की मांग की। अभ्यर्थियों के उग्र रूप को देखते हुए बोर्ड के उप सचिव ने उन्हें वार्ता के लिए बुलाया। उन्होंने अभ्यर्थियों को जल्द परीक्षा की तारीख घोषित करने का आश्वासन देकर शांत कराया। साथ ही नई शिक्षक भर्ती में जीव विज्ञान विषय शामिल करने का भी भरोसा दिया। ठीक है, तो ये सब दोस्तों बातें, मतलब छात्र इसलिए परेशान है कि उनका रिजल्ट नहीं आ रहा, उनका पेपर नहीं हो रहा है। अब बताइए दोस्तों, जब नीट जेई के पेपर कराए जा सकते हैं तो क्या डीएलएड का पेपर नहीं हो सकता था, सीटेट का पेपर नहीं हो सकता था? समझिए आप इन सब बातों को, नहीं समझेंगे तो आप परेशान होंगे और आपका समय बेकार होगा। देखिए सरकार को इस बात की चिंता है कि जेई के और नीट के बच्चों का एक साल का समय बेकार हो जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या उनको इस बात का चिंता नहीं कि जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं उनका क्या होगा? आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, आपका क्या होगा? ठीक है, इस बात की भी तो चिंता होनी चाहिए ना कि आपका भी समय बेकार हो रहा है, आप भी पीछे हो रहे हैं। अब 2020 के एडमिशन लेने की बात हो रही है, देखिएगा जैसे भी फाइनल ईयर का पेपर होने दीजिए, डीएलएड 2020 का एडमिशन शुरू हो जाएगा। फिर 2019 बैच 2020 बैच में अंतर क्या रह जाएगा भगवान ही जाने उसको। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर वाली बटन पर क्लिक ना किया ना तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अपनी बातों को दोस्तों अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपनी बातों को, अपने मुद्दों को, ताकि वो भी जाने कि आखिर डीएलएड का मुद्दा क्या है, आपको चाहिए क्या, आपको नौकरी चाहिए। इस मुद्दे पर आप हमेशा कायम रहिएगा, तभी दोस्तों जब नई सरकार की बात आएगी ना चुनने को तो आप बढ़िया से वोट कर पाएंगे कि कौन सी सरकार आपके मुद्दों पर बात कर रही थी उस समय जब दोस्तों आपके साथ कोई नहीं खड़ा था। चलिए राहुल गांधी ने क्या कहा इसको भी जरा देख लेते हैं। देखिए कभी कभी दोस्तों हम विपक्ष को कमजोर समझने लगते हैं, होता क्या है राहुल गांधी, मैं आपको एक बात बता दें, कभी कभी कुछ लोगों को हिंदी नहीं आती, जैसे इनको है उतनी अच्छी हिंदी नहीं आती, इसलिए हम लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। देखिए हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन आपको सच्चाई बता रहे हैं। होता क्या है कि दोस्तों कभी आप किसी ऐसे क्षेत्र में जाइए जहाँ पर सिर्फ लोग इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, समझिए इस बात को खाली, अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती ना तो लोग आपको वहाँ मजाक उड़ाएंगे, आप पर लोग हंसेंगे। या किसी आप ऐसे क्षेत्र में जाइए जहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है, आप वहाँ पर जाकर भोजपुरी बोल रहे हैं तो भी दोस्तों वहाँ पर आपका मजाक उड़ाया जाएगा। अब मोदी जी में क्या, उनको हिंदी बहुत ही अच्छी आती है, तो भाई जो भी भाषण देते हैं हमें बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी क्या है किस में, उसको आप लोग अच्छे से खुद ही जज कर सकते हैं। पहले इस अपडेट को देखते हैं, क्या मैटर क्या है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया है कि उसने असंगठित पर प्रहार कर देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। गांधी ने सोमवार को यहां जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि अर्थव्यवस्था पर यह आक्रमण सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है और इसका मकसद असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाली देजह की बड़ी आबादी को गुलाम बनाना है। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र देश में 90% से ज्यादा आबादी को रोजगार देता है, लेकिन मोदी सरकार ने रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्र को जानबूझकर तबाह कर रही है। उन्होंने इसे एक साजिश बताया और कहा कि यह देश के लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है, ठीक है, और इसकी पहचान कर सबको मतलब इसके खिलाफ लड़ना होगा। भारत के संदर्भ में असंगठित क्षेत्र के महत्व को समझाते हुए उन्होंने 2008 की मतलब जबरदस्त आर्थिक तूफान का हवाला भी दिया और कहा कि उस दौर में अमेरिका
जापान चीन सहित पूरी दुनिया के बैंक गिर गए। बंद होने में एक के बाद एक कंपनियों की लाइन लग गई। यूरोप के बैंक गिरे लेकिन भारत में इस मंदी का असर तक नहीं हुआ। गांधी ने कहा कि इस की वजह समझने के लिए वह तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिले भी। उन्होंने कहा, मैं थोड़ा हैरान हूं तो मैंने पूछा कि मनमोहन सिंह जी बताइए, आप इन बातों को समझते हैं, पूरी दुनिया में आर्थिक नुकसान हुआ है लेकिन हिंदुस्तान को कोई असर नहीं हुआ, कारण क्या है? मनमोहन सिंह ने जी ने मतलब कहा कि राहुल, अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हो तो यह समझना होगा कि हिंदुस्तान में दो अर्थव्यवस्थाएं, पहली असंगठित अर्थव्यवस्था और दूसरी दोस्तों आपकी संगठित अर्थव्यवस्था। संगठित में बड़ी कंपनियां नाम आप जानते हो, असंगठित व्यवस्था में किसान आते हैं, मजदूर आते हैं, छोटे दुकानदार, मध्यम श्रेणी की कंपनियां। कांग्रेस नेता ने कहा कि डॉक्टर सिंह ने उन्हें बताया कि जिस दिन तक हिंदुस्तान का असंगठित सिस्टम मजबूत है उस दिन तक हिंदुस्तान को कोई भी आर्थिक तूफान नहीं छू सकता। फिर राहुल गांधी ने कहा कि आज स्थिति बदल गई है, पिछले 6 साल में असंगठित व्यवस्था पर आक्रमण किया गया है, इसके 3 बड़े उदाहरण हैं, पहला नोटबंदी, गलत GST और लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, इससे क्या हुआ ना, गरीब लोग ज़्यादा परेशान हुए। इन तीनों ने इस क्षेत्र को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के पीछे सोच नहीं थी, यह मत सोचिए आखिरी मिनट पर लॉकडाउन कर दिया गया। इन तीनों का लक्ष्य हमारी इनफॉर्मल सेक्टर को तबाह करना है। देखिए दोस्तों, ये सब बातें आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे दोस्तों देश चलाना है। तो अब आपको जागरूक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप परेशान होंगे, आप सोशल मीडिया पर दोस्तों आप भड़ास निकालेंगे। देखिए आज से आपको एक काम करना है, आपने कुछ बड़े यूट्यूबर्स को देखा होगा जो ये कह रहे हैं कि इस समय अब हम न्यूज़ चैनल नहीं देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर आपकी बात ना कही जाए वो देखना आपके लिए बिल्कुल बेकार है। जहाँ पर आपके मुद्दे ना उठाए जाए, क्या मतलब है आपको देख के? आप बताइए कि अगर आप कोई भी न्यूज़ चैनल देखते हैं, आपकी डीएलएड की बात कितनी होती है, समझिए इस बात को दोस्तों। कुछ दिन पहले विनोद वायरल हुआ था, याद है ना, वो विनोद भाई ने हर जगह जो कमेंट होता था वहाँ जाके विनोद लिख देते थे। क्यों लिखते थे? कोई इनकी बात नहीं सुन रहा होगा, सोचेंगे चलो ठीक है कोई नहीं सुनता, आप खुद ही कमेंट करेंगे विनोद विनोद, हर जगह विनोद, हर जगह विनोद। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर है कि जब डीएलएड की दोस्तों कोई बात ही नहीं सुन रहा, तो फ़ायदा क्या है कि आप लोग दूसरे न्यूज़ चैनल जाते हैं, देखते हैं, उनकी TRP बढ़ाते हैं, पैसे वो कमाते हैं, और आप लोग बैठ के खाली अपना टाइम खराब करते हैं। टाइम को बचाइए, हर उस चैनल को आप देखिए दोस्तों जहाँ पर आपकी बातें हों, आपके मुद्दे उठाए जा रहे हों, वो बेहतर है आपके लिए। बाकी ठीक है, सावधान रहिए सोशल मीडिया पर, अब ऐसा ना है कि सोशल मीडिया पर आप कुछ भी कहें, ठीक है, सरकार थोड़ी सी मतलब होता ना कि नज़र भी बनाए रखती है, तो सोशल मीडिया पर भी आपको सावधानी से कुछ करना है। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पर जाके आप उल्टी सीधी बातें लिखेंगे तो उससे नुकसान आपका ही होगा। तो दोस्तों जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल उम्मीद करेंगे कि डीएलएड में भी ऑनलाइन पेपर हो, और आप लोग को भी दोस्तों ये चाहिए कि ऑनलाइन पेपर होगा तो बढ़िया रहेगा, घर से आप लोग पेपर देंगे, पेपर आप तक आ जाएगा, फ़ोन में डाउनलोड करिएगा, बढ़िया तो उसका आंसर कर सकते हैं, घर बैठ रहे हैं कोई देखेगा नहीं कि आप उसका आंसर कैसे लिख रहे हैं, क्या हाथ से देख के लिख रहे हैं, ठीक है, वो सब बातें अलग हैं। फिलहाल तो जैसा कि हमने बता दिया कि सरकार को लेकर इस समय छात्रों में जबरदस्त गुस्सा है, GDP मतलब गिर गई है, तो सिंपल सी बात है, नौकरी आपकी चली गई होंगी, आपके घर में भी होंगे काफ़ी ऐसे लोग जो बाहर नौकरी करते रहे होंगे, इस समय उनकी नौकरी जा चुकी होगी, घर पर आकर वो बैठे होंगे, नौकरी का दोस्तों कोई ठिकाना नहीं है। तो ये सब बातें, उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा DLED छात्रों में, और अपनी छात्रों की आवाज़ को मजबूत करिए, ठीक है। जब सोचिए दोस्तों 12वीं के छात्र, जी हाँ दोस्तों, नीट और JEE के बच्चों ने इस समय दोस्तों सरकार हिलाने का दम रखती है, तो आखिर DLED के, SSC के, रेलवे के, CGL के जितने और बच्चे हैं, अगर वो सब आ गए तो क्या होगा देश में? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि इन छोटे बच्चों से कुछ हमें सीख लेनी चाहिए, कि मतलब एक दिन में पूरा सोशल मीडिया रुख बदल गया। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर मोदी जी की वीडियो आती थी तो लाइक्स के मतलब लाइन लग जाते थे ना, लाइक्स के बटन पर ऑटोमेटिक क्लिक हो जाता था, क्या था दोस्तों उनकी बातों में, लेकिन जो इस बार मन की बात हुई है उसमें बच्चों में नाराज़गी सिर्फ इसलिए आई ना कि उनके मुद्दे नहीं उठाए गए, उनको था कि इस समय पेपर पोस्टपोन होना चाहिए। डर देखिए क्या है ना, कि दिक्कत क्या आज के डेट में आपको बता दें कि एक समय दोस्तों ये कहा गया कि भाई अगर इस समय पेपर हो जाएगा तो कोरोना हो सकता है, आपको डर बढ़ता है। मार्च अप्रैल में याद करिए दोस्तों, जब केसेस बिल्कुल कम थे तो देश में इतना खतरनाक लॉकडाउन कि बेचारे मजदूर भाई बहन हमारे दिल्ली से, मुंबई से पैदल आने को मजबूर हो गए घर। हो सकता है कि आपके गांव में भी, आपके इलाके में भी कुछ ऐसे लोग हों जो दूर दूर से पैदल चलकर घर आए हों। जब इतने कम केस थे, वही कोरोना कल भी था, वही कोरोना आज भी है, इस बात को समझिए खाली, ठीक है। इसीलिए छात्रों में गुस्सा है, ठीक है, अगर आप नहीं अभी समझ पा रहे होंगे तो फिर क्या बताएं आपको।
देखिए, एक और अपडेट आई थी कि 30 वर्ष की सेवा पर जबरन रिटायर करने का विरोध करेंगे सभी कर्मचारी संगठन। इस अपडेट को देख के वीडियो खत्म करेंगे। ठीक है, अपडेट क्या है, इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा और महामंत्री प्रेमचंद्र ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि 30 वर्ष की सेवा पर कर्मचारियों को जबरन मतलब सेवानिवृत्त करने के निर्णय को तत्काल वापस लिया जाए। उनका कहना है कि क्योंकि 30 वर्ष की सेवा में कर्मचारियों के बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी विवाह तथा आवास आज की व्यवस्था करनी होती है, उसके सेवानिवृत्त कर दिए जाने पर कर्मचारी का तो नहीं उसके परिवार का ही नुकसान होगा। प्रेमचंद ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में मुश्किल से 50% नियमित कर्मचारी रह गए हैं, पद खाली पड़े हैं, भर्तियां नहीं की जा रही हैं, ठीक है ना, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर कर्मचारी रखकर काम कराया जा रहा है, उन्हें मतलब उन्हें एक तो बहुत कम धनराशि दी जाती है, वह भी दोस्तों कई महीनों के बाद। उन्होंने कहा कि इसी कारण सरकार के सभी कार्यों के संपादन में बाधा पड़ रही है। उन्होंने कहा कि 6 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें अग्रिम कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा, जिसमें आंदोलन भी शामिल है। बैठक में इन्फेक्स के वरिष्ठ पदाधिकारी अतुल मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव, ये सब दोस्तों थे, उपस्थित रहे। तो ये सब बातें हो रही हैं। अब दोस्तों ये सरकार भाई नया नियम लाती है कि 30 साल हो गए आपके तो ठीक है, नौकरी वोकरी का कार्यकाल आपका पूरा होता है, लेकिन दोस्तों ऐसी लिमिट थी, आपको पता होगा कि भाई 60 साल लीजिए। एक और अपडेट आपको बताएं वीडियो के अंत में जाते जाते कि सभी विभागों में पेंशन की व्यवस्था खत्म की जा रही है। ठीक है, आपको पता है ना इस बात को, बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन क्या जो ये सरकार है इनको क्या इनके लिए पेंशन है कि नहीं, मंत्री मंत्री के लिए पेंशन होती है कि नहीं, आपको पता है कि नहीं भाई, अपने लिए पेंशन वो नहीं खत्म कर रहे हैं। आप टीचर हैं, आपके लिए कोई पेंशन अब नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए पेंशन आपका एक अधिकार होना चाहिए कि जब आपकी नौकरी पूरी हो जाए तो एक सम्मान से मतलब जैसे जिंदगी चली है वैसे ही चलती रहे। ऐसा ना हो दोस्तों आज बढ़िया से आप ठाट बाट से जी रहे हैं, कल को दोस्त आप पैसों के मोहताज हो जाएं। कुछ लोग होते हैं ना, रोज खाते हैं, रोज उड़ाते हैं, टीचर में भी आते हैं, बहुत से पैसे कमाते हैं वैसे ही उड़ाते हैं। डायलॉग सुना था ना, जैसे जैसे कमाया वैसे वैसे उड़ाया। ठीक है, ये सब बातें हैं। फिलहाल दोस्तों परीक्षा की नई तारीख सोशल मीडिया पर काफ़ी बातें हो रही हैं, अफवाह से बता रही है। दोस्तों अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ और परीक्षा की नई तारीख दोस्तों हमने एक लिंक दिया है, उसको भी जरा आप चेक करते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों स्टे कनेक्टेड।